दिल्ली हाई कोर्ट ने ISIS के केरल मॉड्यूल के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने UAPA के मामले में जमानत दी और जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि आरोपी के मोबाइल में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें, जिहाद प्रचार और ISIS के झंडे जैसी आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी और वो कट्टरपंथी या मुस्लिम प्रचारकों के उपदेश सुनता था। कोर्ट ने कहा कि ये सारी बातें उसे ISIS जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सदस्य करार देने के लिए काफी नहीं होगा। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री वर्ल्ड वाइड वेब पर आसानी से उपलब्ध है और केवल इसे एक्सेस करना और डाउनलोड करना ये मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी ने खुद को ISIS से जोड़ा है। जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा, कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति ऐसी सामग्री तक पहुँच सकता है और उसे डाउनलोड भी कर सकता है। हमें लगता है कि ये कृत्य अपने आप में कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने अमर अब्दुल्ला रहमान को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की, जिसे अगस्त 2021 में NIA ने गिरफ्तार किया था। उमर पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B के साथ UAPA की धारा 2013, 38 और 39 के तहत आरोप लगाए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।